तो नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और ये दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये कि दोस्तों जो 485 का जो प्लान था, यानी कि 485 रुपये का प्लान था, उसको बीएसएनएल ने चेंज कर दिया है। अब दोस्तों चेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ा दिया है, या फिर दोस्तों यहाँ पर इसका वैलिडिटी बढ़ा दिया है, या फिर वैलिडिटी घटा दिया है, या फिर दोस्तों यहाँ पर इसके डाटा की कटत की है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी बीएसएनएल के यूजर्स बनने वाले हैं या फिर दोस्तों यूजर्स हैं। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका बीएसएनएल का 485 रुपये का जो रिचार्ज था, पहले दोस्तों इसकी वैलिडिटी क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो दोस्तों इसकी वैलिडिटी थी वो यहाँ पर 82 दिनों की वैलिडिटी थी, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर इसकी वैलिडिटी को घटा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 80 दिनों का कर दिया गया, यानी कि 2 दिन इसमें कम कर दिए हैं बीएसएनएल ने। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पर पहले 82 दिनों के रिचार्ज में आपको कितना GB डाटा मिलता था? 1.5 GB डाटा करके यहाँ पर मिल रहा था, और प्लस में 100 SMS आपको यहाँ पर डे मिलते थे और अनलिमिटेड कॉलिंग और यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो भी इसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो मिल रहे थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर बीएसएनएल ने उसी 485 वाले रिचार्ज को 82 दिनों को न करके इसे 80 दिनों का कर दिया है, और 80 दिनों का कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो डेटा है वो यहाँ पर 1.5 GB डेटा से ना करके यहाँ पर उसको 2 GB डेटा कर दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर जो उधर यानी कि 82 दिनों का रिचार्ज था, अब इसमें कर दिया गया है 80 दिनों का रिचार्ज, और 80 दिनों के रिचार्ज में अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 GB डाटा करके यहाँ पर आपको पर डे मिलेगा। ठीक है, 100 SMS मिलेगा, बाकी की जो भी इसमें बेनिफिट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेटा और वैलिडिटी में यहाँ पर इजाफा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ दोस्तों पहले दोस्तों कुल डाटा की बात करें तो दोस्तों 123 GB डाटा मिलता था जब हमें 1.5 GB डाटा मिलता था 82 दिनों में, लेकिन अब यहाँ पर 80 दिनों में दोस्तों अब आपको 160 GB डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ अपडेट आ चुका है इस 485 वाले प्लान में, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बाकी दोस्तों ये छोटी सी जानकारी अगर आपको हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।